दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे हम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पार्ट टू में, जिसमें हम जनरल केयर एंड मैनेजमेंट को देखेंगे, रीस्ट्रेनिंग के बारे में देखेंगे और वैक्सीनेशन, जो कि मोस्ट डिमांडेबल चैप्टर रहा है शुरू से। जब से मैंने क्लासेस को ऑनगोइंग किया है तब से ये काफ़ी लोगों का रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने लगातार क्वेश्चन किया है कि वैक्सीनेशन जो है थोड़ा सा जो फील्ड लेवल पे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसके कारण जो है इंटरप्टेड हुआ था सेशन, तो दोस्तों उसके लिए माफी चाहते हैं और वापस कंटिन्यू करते हैं। हीपर की मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो हीपर जो है इसकी मैं बता रहा था कि राजस्थान में जो हम परंपरा देख रहे हैं कि जो हीपर है, जो झोटी है, उसको जो है कंसंट्रेटेड राशन जो है बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। उसको केवल और केवल रफेज मतलब सूखे चारे पे ही जानवर को रखा जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। उसको 2 से 3 किलोग्राम पर डे के हिसाब से जो है कंसंट्रेट राशन जो है उसको हीपर को देना होता है। वाटर एडली मात्रा में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट उतना देना होता है, और ग्रीन फोरेज भी अगर आप देते हैं साथ में तो वो बेस्ट रहता है। इसके अलावा ये इसलिए देना होता है कि अगर आप ये सब चीज़ें मेंटेन करते हैं, अच्छा कंसंट्रेट राशन और ग्रीन फोडर और वाटर, अगर आप उसको यूजुअली प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट के रूप में मिल रहा है, तो जो उसकी एज है 24 मतलब 2 से 2.5 साल के आसपास जो है वो प्यूबर्टी के लक्षण शो करने लग जाएगी और प्रेगनेंसी कैरेट करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएगी। तो एज यहाँ पर मैटर नहीं करती है, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और जो उसकी साइज है 300 किलो के आसपास जो है उसका वजन जो है वो होना चाहिए। तो अगर वो 300 kg का वजन अगर जल्दी गेन कर लेती है तो जानवर जो है वो हीट के लक्षण जल्दी शो करने लग जाएगा, और हीट के लक्षण अगर एक बार टाइम से शो करने लग जाता है जानवर, तो उसमें प्रेगनेंसी जल्दी कैरिड आउट हो सकती है और जानवर जो है जल्दी प्रोडक्शन में जो है वो आ जाएगा। वैक्सीनेशन एक प्रॉपर हमें हीपर्स का कराना होता है। इसके अलावा आपको लगता है कि ये एनिमल जो है लगातार प्रयास करने पर भी जो है हीट के लक्षण शो नहीं कर रहा है या प्रेगनेंसी कैरिड आउट नहीं कर रहा है, तो फिर जो है आप जो है उसको कल आउट कर सकते हैं, अपने जो फार्म है उससे रिमूव उस जानवर को जो है किया जा सकता है। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 से 3 किलो के आसपास जो है कंसंट्रेट जानवर को दिलवाना है, और उसको जो है आपको ग्रीन फॉरेज भी जो है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार दिलवाना है। और एक चीज़ और जो है कि आप जब काविंग तक पहुंच रही है कि आपको लग रहा है कि अब 1.5 से 2 महीने में जो है जानवर बहने वाला है, तो आप उसको स्पेशल केयर दे सकते हैं जानवर को, और सेपरेट जो आपके पास बाण है उसमें जो है उस जानवर को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हिपर्स में आपको देखनी होती है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम प्रेग्नेंट एनिमल के लिए, कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हेमंत जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लाला राम जी हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मंजू जी हैं, दीपिका जी हैं, मुकेश कुमार नागर, गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। एंड आदित्यन है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एंड जगदीश जी गुजर, गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग। एंड बाबूलाल जी हैं, गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग। मयंक जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। हिमांशु जी हैं, गुड इवनिंग सर। ओम प्रकाश जी हमारे साथ, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। हाँ यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके लिए सेशन जो थोड़ा सा डिले हो गया था,
इसके लिए यतिन जी इट्स ओके, थैंक यू फॉर दैट। एंड पवन जी का है, वी ऑल विद यू सर जी, इट्स ओके एंड धन्यवाद। बहुत चल नहीं रहा है, वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बाबूलाल जी ये सेशन जो है थोड़ा सा डिले हो गया था। राजेश वाले गुड आफ्टरनून सर जी, और चांद के लिए सितारे कहें लेकिन सितारों के लिए आप बहुत चांद ही साबित हो रहे हैं। जगदीश जी जबरदस्त कमेंट है, आप लगातार जो है लाइव सेशन के दौरान आपके कमेंट जो है बहुत जबरदस्त ऊर्जा भरने वाले होते हैं और जो है मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके इन्हीं कमेंट्स के कारण जो है मेहनत करने में जो है मज़ा आता है। तो दोस्तों प्रेग्नेंट एनिमल की अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जानवर अगर प्रेग्नेंट है तो फिर जो है आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती है। तो आप सबसे पहले जानवर को जो है 1.5 से 2 किलो के आसपास जो है एक्स्ट्रा कंसेंट्रेट राशन जो है जानवर को दिया जा सकता है। ये लास्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं बेसिकली, और लेग्यूमिनस फ्योडर जो है वो आप दें जानवर को, और एडलिप जो है क्लीन वाटर जो है जानवर को दिया जा सकता है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपको लगता है ये प्रेग्नेंट एनिमल है तो प्रेग्नेंट एनिमल को कभी भी ऐसे एनिमल के साथ आप मिक्स ना करें जहाँ पर आपको हिस्ट्री पता हो कि इस जानवर के जो है पहले एबॉर्शन हो रखा है। जैसे ब्रुसेलोसिस का केस किसी हर्ड में किसी जानवर को हो रखा है, तो प्रेग्नेंट एनिमल को जो है उससे थोड़ा सा सेपरेट करके रखें। इसके अलावा मॉडरेट एक्सरसाइज जो है ये थोड़ी ज़रूरी होती है जानवर के केस में, जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसके केस में, ताकि कागिंग जो है वो नॉर्मली हो सके। लड़ाई को अवॉइड करना है, स्लिपरी फ्लोर को जो है अवॉइड करना है ताकि जानवर स्लिप ना हो। इसके अलावा आप जो एक्सपेक्टेड डेट आपको लग रही है कि इस दिन जानवर जो है वो डिलीवरी कर सकता है, उससे 1 से 2 वीक पहले जो है जानवर को जो कागिंग बांड जो होते हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, जो कि क्लीन होगा और वहाँ पर बेडिंग मटेरियल जो होगा वो फ्रेश आप ले सकते हैं। और जैसे गांव में प्रैक्टिस है कि 2 से 3 दिन पहले जो है जानवर को थोड़ा सा वो ऑयल जो है खाने का तेल जो है वो जानवर को देते हैं, ताकि लग्जेटिव इफेक्ट आके जो है जानवर में जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो सके। इसके अलावा 3 किलो के आसपास वीट ब्रान जो चोकर होती है वो दे सकते हैं, और ग्राउंडनट केक 0.5 ग्राम और केक पर केजी के हिसाब से, और 100 ग्राम जो है मिनरल मिक्सचर जो है आप जानवर को दे सकते हैं। और जैसे ही सिम्टम्स आपको डिलीवरी के ऑब्जर्व होते हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में स्वेलिंग और अडर में स्वेलिंग और पुट्टे टूट जाना, ये सारी चीज़ें जब अगर ऑब्जर्व होती है तो आप जो है उसका केयर का ध्यान रखें। और एक चीज़ जो है कि कैल्शियम की सप्लाई जो है वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। अगर नहीं होती है और आपको अगर कैल्शियम की सप्लाई अगर जानवर में प्रॉपर नहीं है तो मिल्क फीवर होने की संभावना जो है जानवर में प्रॉपर होगी, और उस टाइम जो है फिर जानवर जैसे ही प्रेग्नेंट जानवर जब डिलीवरी करेगा तो मिल्क फीवर के कारण एनिमल के कोलेप्स होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मिल्च एनिमल की। ये क्वेश्चन जब आप फील्ड में ज्वाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन डेली बेसिस पे एक वेटनरी डॉक्टर से जो है वो पूछा जाता है। ये डेली जो है वेटनरी डॉक्टर से लगातार कि हम क्या खिलाएं, कैसे रखें जो जानवर दूध दे रहा है। तो ये वैसे तो हम न्यूट्रिशन में जो है जब न्यूट्रिशन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि मिल्च एनिमल में जैसे राजस्थान में पिछले काफ़ी सालों से देखता रहा हूँ कि यहाँ साल्ट और मिनरल देने की जो है प्रैक्टिस नहीं है। जैसे साल्ट मतलब नमक जो है जानवर को नहीं देते हैं रेगुलर डाइट में, जो कि 50 ग्राम के आसपास रोजाना जो है जानवर को दिया जाना चाहिए, ताकि उसका जो स्किन है और ब्लड प्रेशर और भी चीज़ें जो है वो मेंटेन है। मिनरल सप्लीमेंट देना चाहिए ताकि डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है मिनरल डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलती है जानवर वो ना हो, और जो एंजाइम्स की जो फंक्शन है, विटामिन की जो फंक्शन है वो आराम से कैरीड आउट एनिमल्स में हो सके। क्योंकि आप जानते हो मिल्च एनिमल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी काफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको मेस्टाइटिस के लिए जानवर को जो है रेगुलर बेसिस पे जो है वो चेक करना, और ऐसा डेटा मिला है कि आप जैसे पूरे इंडिया में बेसिकली ये प्रैक्टिस है कि हम 2 टाइम जो है वो मिल्किंग करते हैं। यदि हम इसको 3 टाइम्स मिल्किंग करते हैं, मतलब हर 8 घंटे में अगर मिल्किंग करें 24 घंटे में, तो अगर तो जो 10 से 15% जो मिल्क है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर हम हर 8 घंटे में, एवरी 8 ईयर्स हम मिल्किंग जो है वो कैरीड आउट करते हैं। राजस्थान और
पंजाब हरियाणा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ अभी तक, वहाँ मैंने 2 टाइम्स ही जो है मिल्किंग होने का इम्पैक्ट देखा। और मिल्किंग का जो जो 2 बार कर रहे हैं दिन में, 24 घंटे में 2 बार मिल्किंग कर रहे हैं, वो भी एक अगर फिक्स रेगुलर टाइम टेबल सेट करते हैं कि सुबह 5 बजे कर रहे हैं तो शाम को भी 5 बजे ही अगर मिल्किंग कर रहे हैं तो अभी दूध का उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेज होती है जो आपको रेगुलर बेसिस पे जो है ध्यान रखनी होती है। हिमांशु जी कह रहे हैं कि स्टोर वेस्ट, डॉक्टर अतुल सरीज वेस्ट। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे तो कोशिश करेंगे और अच्छे वीडियो जो हैं वो तैयार करने की। इसके बाद आप जो जानवर है उसको ग्रीन सकुलेंट जो फोडर है वो मतलब ग्रीन जानवरों, जो कि हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में जो है बड़ी समस्या रहती है कि हरा चारा जानवर को नहीं मिलता है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जानवर को हरा चारा मिले 12 महीने, और उसके साथ आप हे और स्ट्रा भी जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हर 2 से 2.5 किलो प्रोडक्शन पे जो है आप 1 किलो एक्स्ट्रा कंसंट्रेट राशन जो है वो जानवर के लिए बढ़ाएंगे। ये मेंटेनेंस राशन से आपको प्लस करना है उसकी राशन में। इसके अलावा साल्ट और मिनरल की बात हमने कर ही ली। इसके अलावा रेगुलेटरी ऑफ फीडिंग, जैसे आप मिल्किंग की रेगुलेटरी करते हैं वैसे ही आप रेगुलेटरी ऑफ फीडिंग भी करेंगे। और कंसनट्रेट मिक्सिंग, कंसनट्रेट को आप मिक्स करके दे रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि आपको अनाज वाला पार्ट, दाल वाला पार्ट और ऑयली मतलब केक वाला पार्ट जो है आपस में मिक्स करके देना है और उसको सोकिंग करके जानवर को खिलाना, मतलब थोड़ा सा गला के जो है जानवर को खिलाना है। इसके अलावा आप कंसंट्रेट तो बिफोर और ड्यूरिंग द मिल्किंग दे सकते हैं, जबकि रफेज जो है आप आफ्टर मिल्किंग जो है जानवर को देंगे, और वाटर जो है एडलिप जो है जानवर को दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मिल्किंग में रेगुलरिटी जो है वो असेंशियल है कि सुबह आप 6 बजे करें तो शाम को 6 बजे, सुबह 4 बजे तो शाम को 4 बजे। और ये जैसा डेटा मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 बार मिल्किंग कर रहे हैं दिन में 24 घंटे में, तो आप जो 2 बार मिल्किंग कर रहे हैं उससे 10 से 15% ज़्यादा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देनी है कि आप जब मिल्किंग कर रहे हैं तो आप फुल हैंड मिल्किंग यूज करें, रैपिड मिल्किंग करें। ऐसा ना हो कि मिल्किंग कर रहे हैं और किसी का फ़ोन आ गया तो फिर आप जब 5 मिनट फ़ोन पर लगा रहे हैं और उसके बाद वापस मिल्किंग को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उससे जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की बेसिकली हाफ लाइफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन की 7 से 8 मिनट होती है। तो आप कोशिश करिए कि मिल्किंग का जो प्रोसेस है वो 7, 8, 9 मिनट में जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लूज हाउसिंग राजस्थानी केस में जो है वो बढ़िया है, तो वो प्रोवाइड होता है ताकि उससे जो है मैक्सिमम एक्सरसाइज जो है जानवर को मिलती रहे। इसके अलावा और कुछ प्रैक्टिस हैं, जैसे मिल्किंग की पहले आप ग्रूमिंग जानवर की अच्छे से कर सकते हैं, अडर के अडर वाले और बॉडी वाले पार्ट पे जो है आप ग्रूमिंग कर सकते हैं। और बफेलो के केस में आप जो है जानवर को नहला सकते हैं, वाटर का स्प्रे कर सकते हैं, स्पेशली गर्मी के दिनों में जो कॉमन वॉइसेज है जैसे किकिंग करना, जानवर लात मारता है, लिकिंग करना और सकिंग करना, इन पे भी जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनको केयरफुली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको ड्राई पीरियड जो है जब जानवर सूख जाता है और जब बियाने वाला होता है उसके बीच में 2 से 3 मतलब 60 से 90 डेज का जानवर को सूखा रखना, ताकि वो बॉडी में रिजर्वायर जो है मिनरल्स के जो रिजर्वायर्स हैं, जो कैल्शियम है, जो फॉस्फोरस है, उसको मेंटेन कर सकें, और जब जानवर नेक्स्ट टाइम ब्याए तो जो है किसी प्रकार की डेफिशिएंसी ना हो, मिल्क फीवर, पीपीएच, हमने काफ़ी मैनेजमेंटल डिजीज देखे हैं, कीटोसिस, वो होने की संभावना बिल्कुल भी जानवर में ना रहे। तो ये जो ड्राई पीरियड है ये 60 से 90 दिन का आपको मेंटेन करना है। वैक्सीनेट आपको जो है टाइम टू टाइम जो है जानवर को करवाना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जानवर को बैलेंस फीडिंग जो है जानवर को रेगुलर करवानी, और मेस्टाइटिस के लिए आप जैसे सीएमटी टेस्ट हम देख के आए हैं, ये स्ट्रिप कप में आप देख रहे हैं कि दूध लेके जो है आप चेक कर सकते हैं, स्ट्रिप जो निकलती है शुरुआत में दूध की उसको बाकी दूध से जो है थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो उस दूध को आप जो है जो शुरू की 3 से 4 स्ट्रिप निकलती है उसको जो है आप और दूध से जो है अलग रखना चाहिए। इसके बाद मिल्किंग की हम बात करें तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो होता है फुल हैंड मिल्किंग, जिसमें आप
फिंगर को आप देख रहे हैं कि आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो थंब होता है वो आप बाहर की तरफ रखते हैं। एवीज एचआर सॉल्यूशन की तरफ से है, गुड गोइंग डॉक्टर अतुल, कीप इट अप, बिल्कुल थैंक्स एवीज एचआर सॉल्यूशन जी। एंड यतिन जी हमारे साथ, नाइस सेशन सर, यतिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फुल एंड मिल्किंग की हम बात कर रहे थे दोस्तों कि आपको जो जैसे राजस्थान में प्रैक्टिस है कि ये जो थंब है ये टीट के तरफ रहता है, जब आप मिल्किंग जो पशु वाला मिल्किंग कैरेट आउट करता है तो ये भी बाहर की तरफ रहेगा और ये चारों फिंगर भी जो है वो बाहर की तरफ रहेगी, तो एक फिस्ट जैसे बन जाती है, मुट्ठी जैसे बन जाती है, और जो टीट होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये नेचुरल, जैसे काब नेचुरल सकिंग करता है वैसे उसकी मदर मतलब डैम को जो है ये एहसास होता है और उससे जो है अच्छी मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और ज़्यादा दूध का उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। जानवर को किसी प्रकार का हार्म भी जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये बेस्ट मेथड होता है मिल्किंग करने के लिए। और आप कोशिश करेंगे जितनी जल्दी आप जो है मिल्किंग कर सकें वो कैरिड आउट करें, और लास्ट में आपको जो है कुछ जो दूध बच जाता है वो स्ट्रिप मेथड से मतलब चुटकी से और जो इंडेक्स फिंगर होती है और थंब होता है उसकी सहायता से जो है आपको निकालना पड़ता है। आप बिल्कुल भी मिल्क जो है वो नहीं छोड़ेंगे इसमें, नहीं तो मेस्टाइटिस होने की संभावना जो है अडर में, अगर मिल्क की प्रेजेंस रहती है और काप भी पूरा शक नहीं करता है तो मिल्क जो है आपको पूरा रिमूव करना है ताकि मेस्टाइटिस की संभावना वहाँ बिल्कुल भी बनी ना रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक होता है स्ट्रिपिंग, जहाँ टीट जो है वो स्मॉल स्मॉल होते हैं, स्मॉल टीट में या आपको लास्ट स्ट्रिप निकालनी होती है, गोट और शीप के केस में आप चुटकी विधि स्ट्रिपिंग जो है उसके सहायता से आप मिल्किंग कैरीड आउट करते हैं, जिसमें थंब मतलब अंगूठा और जो फर्स्ट फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर इसी की सहायता से जो है आप दूध निकालते हैं। इसके अलावा नकलिंग जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और सबसे बेकार मेथड साइंस के अनुसार माना गया, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज में नकलिंग ही जो है वो काम में लिया जाता है। इसमें अंगूठे की सहायता से जो है टीट पे जोर लगाया जाता है और इसी की सहायता से जो है दूध बाहर इजेक्ट आउट जो है वो किया जाता है। इससे टीट पे जर्क लगने की संभावना रहती है, फाइब्रोसिस होने की संभावना रहती है और जानवर को दर्द भी जो है इस जो प्रोसेस है इसमें ज़्यादा होता है। तो कोशिश करिए कि आप फुल हैंड मिल्किंग से ही मिल्क जो है वो इजेक्ट आउट करवा सकें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मशीन मिल्किंग की। जब हर्ड साइज 20 से ज़्यादा हो, 20 या 20 से ज़्यादा हो, तो आप जो है मशीन मिल्किंग जब आप जो है वो काम में लेते हैं। और मशीन मिल्किंग जो है इसमें वैक्यूम की सहायता से जो है, जैसे आप टीट पे ये चारों आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये जो कप होता है स्ट्रिप कप, इसको टीट के ऊपर लगा दिया जाता है और ये पल्सेशन क्रिएट करता है, जैसे पल्स चलती है वैसे क्रिएट करता है, और उसके वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो है दूध नीचे की तरफ जो है वो फ्लो होता है, और फ्लो के जो है जो कैन आप देख रहे हैं इसमें आके जो है वो एग्रीगेट मतलब कलेक्ट जो है वो हो जाता है। तो मशीन मिल्किंग आप जब आपको लगता है कि जानवर का उत्पादन ज़्यादा है और आप पूरी मिल्किंग जो है 7-8 मिनट या 9 मिनट में कैरिड आउट नहीं कर सकते, या आपका हार्ड साइज जो है वो 20 से ज़्यादा है, तो आप मशीन मिल्किंग पे जाते हैं। उससे पहले मशीन मिल्किंग पे जाना कोई फ़ायदेमंद का सौदा नहीं होता है। तो वैक्यूम की सहायता से जिसमें जो है वो हम जो है मिल्किंग जो है वो कैरिड आउट करते हैं। इसमें प्रेशर जो मेंटेन करना चाहिए जो डिजिटली हम मेंटेन कर सकते हैं वो केटल के केस में 352 mg के आसपास और बफेलो में 400 mg के आसपास जो है वो मेंटेन करते हैं। और इस प्रोसेस से मशीन मिल्किंग से 1 मिनट के अंदर 1.5 से 2 लीटर जो है दूध आराम से जो है वो एकत्रित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद पल्सेशन आपको कितना मेंटेन करना चाहिए, तो 50 से 60 पल्सेशन जो है आप पर मिनट जो है वो मेंटेन करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जैसे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जानवर सबसे ज़्यादा दूध की बात करें
जैसे देसी गाय जो होती है वो तीसरे लैक्टेशन में, भैंस अपने चौथे लैक्टेशन में, और जो विदेशी गाय होती है वो अपने पांचवे लैक्टेशन में, फिफ्थ लैक्टेशन में सबसे ज़्यादा मिल्क जो है वो देती है। और यदि एक लैक्टेशन के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है दूसरे से तीसरे महीने में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और ये मैंने बताया दिया कि ऑक्सीटोसिन की हेल्प लाइफ जो है वो कम होती है, तो मिल्किंग जो है वो 7 से 8 मिनट के अंदर ही जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, बफेलो के केस में 10 मिनट हो सकता है, क्योंकि बफेलो में जो है प्रोलैक्टिन भी जो है वो 7 बजे रिलीज होता है। तो ये लगभग आप 10 मिनट में पूरी मिल्किंग जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम लगाते हैं एक जानवर को मिल्किंग करने में तो जो अल्टीमेटली जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी। इसके बाद रजिस्टरिंग की बात करें तो रजिस्टरिंग मतलब एनिमल्स को जो है वो कंट्रोल करना, तो डिफरेंट चीज़ें जो है वो इसमें काम में लेते हैं हम, जैसे रोप की सहायता से काम लेते हैं, ट्विच, हम घोड़े के केस में ट्विच लगा देते हैं कान के ऊपर, बैल में हम जो है नोज रिंग, बुल नोज रिंग जो है वो लगा देते हैं, शीप और गोट को जो है हम हैंड से भी कंट्रोल कर लेते हैं, गाय के केस में अगर हमें गिराना होता है जानवर को ट्रीटमेंट के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से, तो हम जो है दो मेथड्स काम में लेते हैं। जैसे ड्रूप मेथड्स में आप देख रहे हैं कि नेक पे एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद जो टिप्स वाला पोर्शन है वहाँ रोप से एक सर्कल बनाया जाता है, और एक अडर से जस्ट पहले एक सर्कल बनाया जाता है, और फिर लास्ट में जो है 2 से 3 लोग जो हैं इसको रस्सी को पकड़े खींचते हैं, और जिधर एनिमल को गिराना होता है उससे जस्ट विपरीत दिशा में खड़े होते हैं, तो एनिमल जिधर रस्सी का एंड पॉइंट होता है उससे विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एनिमल जो है वो गिर जाता है। ये बर्डे मेथड होता है, इसमें लास्ट में टू एंड जो है वो रोप के निकलते हैं, तो ये भी एक बोल्डे मेथड भी जो है ये एनिमल को गिराने के काम में रहता है। जैसे एलिफेंट को जो है वो लोहे की जो चेन होती है उससे कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा आप वाइल्ड एनिमल को ट्रैंकुलाइज करके भी जो है जैसे जाइलेजिन या और भी प्रोडक्ट जो है वो काम में लेके रीस्ट्रेन करते हैं, तो रीस्ट्रेनिंग की आपको जब ज़रूरत पड़ती है जब आप अनवांटेड मूवमेंट को जो है वो रोकना चाहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप ये कोई मेथड यूज ना लिखे, ट्रेविस में जो है जानवर को अंदर डाल देते हैं, और ट्रेविस से जो है उसके अनवांटेड मूवमेंट जो है वो उस पर रोक लग जाती है, और डॉक्टर्स या पैरावेटनरी स्टाफ जो है उसका आराम से ट्रीटमेंट कर सकता है। तो रीस्ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब है कि अनवांटेड मूवमेंट को जो है आपको उसको रोकना है, आप जैसा चाहें वैसा उसको ट्रीटमेंट जो है फिर आराम से कैरीड आउट कर सकते हैं। जैसे डॉग के केस में आप देख रहे हैं मजल जो है वो लगा रहते हैं, इसके अलावा जो जो लेग्स होती है उसको टाइड आउट कर दिया जाता है, तो काफ़ी सारे मेथड जो हैं वो काम में ले जाते हैं। लेकिन कैटल और बफेलो के केस में रूप मेथड्स सबसे बेस्ट मेथड माना गया है कास्टिंग करने के लिए, और बर्ले मेथड भी जो है वो भी काम में लिया जाता है, तो ये मेथड्स होते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मेथड्स की हम बात करें दोस्तों, तो जो फर्स्ट फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इसमें ये कोल्ड ब्रेंडिंग मतलब ये क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से जो ब्रेंडिंग नंबर्स, एक नंबर्स आपके पास उसको उसमें डिप किया जाता है, और फिर जो है एनिमल की जो थाई वाला पार्ट होता है, जो हाइंड लिम की थाई वाला जो पार्ट है पिछले पैर में, वहाँ पर जो है इस नंबर को जो है वो लगाया जाता है, और वो नंबर है क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया की मसल डैमेज हो जाएगी, हेयर डैमेज हो जाएंगे, तो एक स्कार डेवलप हो जाएगा, और वो स्कार जो है एनिमल में परमानेंट बना हुआ रहता है, और इससे जो है एक जैसे 3 नंबर, 5 नंबर, 25 नंबर कुछ भी ब्रांडिंग नंबर जो आपके पास है वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और एक स्कार जो है वो डेवलप हो जाएगा, और वो नंबर जो है परमानेंटली जो है वहाँ पर मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आप आइडेंटिफिकेशन के लिए कोल्ड ब्रांडिंग है, इसके अलावा आप हॉट ब्रांडिंग भी जो है यूज करते हैं। हॉट ब्रांडिंग में जो आयरन की रोड होती है उस नंबर को जैसे 2, 3, 4, 5, 0 से लेकर 9 नंबर तक आपके पास होते हैं, तो आप जो है उसको आयरन, जो आयरन नंबर है उसको रेड हॉट गर्म करते हैं, मतलब इतना गर्म करते हैं कि वो लाल हो जाए, और फिर जानवर के पीछे वाली थाइज पे जो है वो ऐसा कैसा गर्म करके उसको लगा दिया जाता है, तो वो नंबर जो है पिछले वाली थाइज पे जो जाके इम्प्रिंट हो जाता है। और ये आजकल थोड़ा सा इसलिए बैंड है कि एक तो कभी कभी इस प्रोसेस में शार्टिंग नर्व जो है वो खत्म हो जाती है, तो एनिमल आइडेंटिफाई तो हो जाता है लेकिन वो जो है शार्टिंग नर्व डैमेज होने के कारण जो है एनिमल पूरा पैरालिसिस में चला जाता है, जानवर उसके बाद खड़ा ही नहीं होता। दूसरा ये थोड़ा सा इंप्रेशन इसका अच्छा नहीं होता और ये दिखता नहीं होता। तीसरा जो है
इसमें जो है जो डार्क एनिमल होते हैं जिनका डार्क रंग होगा उसमें ब्रांडिंग मेथड जो है वो ज़्यादा काम में नहीं आएगा। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। और ये चौथा, ये आइडेंटिफिकेशन का परमानेंट मेथड है ये भी। इसमें टैटोविंग इसको बोलते हैं, और ये जो कान होता है जानवर का उसमें कैरेड आउट किया जाता है। तो ये टैटोविंग फोर्सेप होती है जिसमें डिफरेंट नंबर आप लगा सकते हैं। और पुराने ज़माने में जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो देखते थे हम कि एक ड्राइंग शीट आती थी जिसमें ऊपर कुछ छोटे छोटे डॉट्स बने हुए रहते थे, और उस पर जैसे हम कलर करते थे तो कलर नीचे एक डायग्राम बना देता था। तो ऐसा ही टेटोविंग करता है कि ये छोटे छोटे छेद यहाँ पर बना दिए जाते हैं ईयर में इस फोर्सेप की सहायता से, और फिर इसमें टेटोविंग इंक जो है वो इम्प्लांट कर दी जाती है। और टेटोविंग इंक जैसे ही डालेंगे वैसे ही जो है यहाँ पर जो है वो नंबर जो है आपको दिखने लग जाएगा। तो ये भी एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन ये भी एमआन मेथड है। और इसको आइडेंटिफाई करना दूर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और क्योंकि ईयर जानवर का इजीली आइडेंटिफाई नहीं होता और उसके अंदर की सतह, तो ये मेथड ज़्यादा से दूर से ऑब्जर्व नहीं होता। और जो डार्क कलर के एनिमल है वो डार्क कलर की ही इंक आप बेसिकली मिलती है देखने को, तो वो जो है आपको दूर से आइडेंटिफाई नहीं होता। तो ये मेथड भी जो है आजकल बेसिकली इसको भी जो है वाइप आउट हो चुका है, ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं। जो छोटे एनिमल होते हैं जैसे पिक के केस में हम ईयर नोचिंग करके एक मेथड काम में लेते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर लेफ्ट ईयर और राइट ईयर के लिए कुछ नंबर फिक्स कर लेते हैं, और उस नंबर के हिसाब से ईयर जो होता है उसको वहाँ से कट लगा दिया जाता है। जैसे लेफ्ट ईयर और राइट ईयर जैसे यहाँ दिया, और मुझे मान लीजिए इस पिक को जो है एक नंबर देना 89, तो 89 नंबर अगर देना है तो मैं ये जैसे मैंने नंबर फिक्स कर लिया, ये लेफ्ट राइट ईयर में 81 वाला कट लगाऊंगा, और उसके बाद अब मेरे को 8 नंबर की और ज़रूरत है, तो मैं दो कट या तीन तीन नंबर वाले लगाऊंगा, एक 3 नंबर वाला एक कट और लगाऊंगा, फिर 3 नंबर वाला एक कट और लगाऊंगा, तो 87, और दो कट ये 1-1 वाले, तो ऐसे करके ये 89 वाला 89 नंबर का पिक हो जाएगा। और ये बाकी जो ईयर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन होगा। तो ईयर नोचिंग में आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा पेनफुल मेथड है, लेकिन ये पहले के ज़माने में किया जाता था, आजकल इसको भी जो है वाइप आउट कर दिया गया है, ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता। लेकिन मेथड आपको एज ए वेंडरियन जो है इस पर एक टैग जो है वो माउंट कर दिया जाता है, और आप ईयर के अंदर जो है ऐसे टैग को जो है वो लगा देते हैं, और ये लगभग परमानेंट मेथड है। ठीक है दोस्तों, जब तक टैग ना घूमे किसी 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 में टैग जो है घूम जाता है। कुछ लोग जो हैं इसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कभी टैग को जो है लॉस्ट कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है ये आसानी से खुलता नहीं। पहले कांच वाले टैग आते थे, ग्लास वाले, वो खुल जाते थे, उसके बाद ईयर। ठीक है दोस्तों, ये टैग जो है वो खुलेगा नहीं अगर सही तरीके से लगाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं नुकीला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये फिट हो जाता है इसके अंदर जाके, और फिर जो है ये निकलता आसानी से नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में इंडिया में लाया जा रहा है अभी, और इस टैग की अपनी विशेषता है, पूरा जितना सिस्टम है एनिमल का वैक्सीनेशन करना है, एनिमल का काविंग करना है, प्रेगनेंसी करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, ये सारा टैग नंबर से जो है वो आइडेंटिफाई आप जो है वो करते हैं। ये टैग नंबर आप जैसे ही भारत गोशुधन ऐप या इनाप में डालेंगे उस एनिमल की पूरी डिटेल जो है वो आराम से आप जो है पता लगा सकते हैं। और जैसे स्क्रीन इसको स्कैन करेंगे सारी डिटेल जो है एनिमल की, कि इस एनिमल का वैक्सीनेशन कब किया गया है, कब लास्ट टाइम ये एनिमल प्रोडक्शन में आया था, वापस कब इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया, सारी डिटेल जो है वेटनरी और पैरा वेटनरी स्टाफ जो है वो अपडेट करते हैं। और इस नंबर को जो है इसके पशु मालिक के साथ उसके आधार कार्ड के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो आप जो है अगर एनिमल लॉस्ट हो गया है तो इससे आप जो है आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एनिमल जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बिलोंग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रह जा रहा है, एमान में नहीं है, लंबा समय तक ये चलता है। तो ये इसके बहुत सारे ईयर टैग लगाने के फ़ायदे हैं। विदेशों में और जो बड़े डेयरी फार्म है वो एक और मेथड काम में ले रहे हैं, RFID है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी टैग ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है जैसे ही ये कंप्यूटर स्क्रीन और इनके स्पेशल मीटर्स होते हैं उससे जैसे ही ये जानवर निकलता है तो उसकी डिटेल जो है आप सारी डिटेल जो है वो इसमें आ जाती है स्क्रीन पे, कि कौन से जानवर जो है वो कहाँ पर है
और इसमें जीपीएस का सिस्टम भी है आरएफआईडी में, तो आपको पता लग सकता है कौन सा एनिमल जो है किस लोकेशन पे अभी है। इसके अलावा आजकल इंट्रा डर्मल चिप आ गई, जैसे मोबाइल में सिम कार्ड डलते हैं वैसे स्किन में एक चिप डाल दी जाती है, और उस चिप की सहायता से जो है एनिमल को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। एक स्पेशल मीटर उनके पास भी आता है, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है वो इंट्रा डर्मल चिप ही जो है वो काम में ले रहे हैं, और उसी के आधार पर जब इंश्योरेंस किया जाता है एनिमल को तो कुछ इंजेक्शन जैसा वो आता है, तो उससे वो चिप जो है स्किन के अंदर डाल ली जाती है, और फिर जो है पूरी डिटेलिंग जो है उसमें आप आराम से भर सकते हो। जैसे ही एनिमल की डेथ होती है तो उस मीटर को उसके ऊपर ले जाया जाता है उस पर्टिकुलर स्पेस पे, तो वो बता देता है कि ये वही एनिमल है जिसका इंश्योरेंस किया गया। तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जब इंश्योरेंस कर रहा है तो उस इंट्रा डर्मल चिप का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो आजकल काफ़ी प्रचलन में ये भी देखने को मिलता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन की कुछ चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वैक्सीनेशन की। हेमंत जी का यहाँ क्वेश्चन है कि सर अगर कोई मेस्टाइटिस कंटामिनेटेड वाला मिल्क पी ले तो क्या हुआ। देखिए अगर कोई ह्यूमन इसको कंजप कर रहा है तो सबसे बड़ी चीज़, तो अगर मेस्टाइटिस जिस रीजन से हुआ है, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल, इन तीन चीज़ों से बेसिकली अगर मेस्टाइटिस हुआ है, तो अगर जो ह्यूमन कंजप्शन कर रहा है अगर वो उसको गर्म करके काम में ले रहा है, अच्छी तरह से उबाल के अगर काम में ले रहा है, तो जितने भी बैक्टीरियल और वायरस हैं वो 70 डिग्री के आसपास जो है जब दूध का टेम्परेचर होगा तो वो डैमेज हो जाएंगे, और दूध जो है वो 100 डिग्री के ऊपर जो है बॉयल होता है, तो 70 डिग्री जब दूध का टेम्परेचर होगा तभी नष्ट हो जाएंगे, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर दूध को सही तरीके से उबाल के काम में लिया। ओके, कनेक्शन चेक करते हैं, बाकी यहाँ से मुझे लग रहा है कि सही ऑनगोइंग है। तो दोस्तों वैक्सीनेशन की हम बात कर लेते हैं, तो जो फील्ड लेवल पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है, हम सबसे पहले कैटल और बफेलो के केस में देख रहे हैं कि कैटल और बफेलो में राजस्थान में बेसिकली जो वैक्सीनेशन कैरिड आउट किया जा रहा है वो किया जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट FMD का, फुट एंड माउथ डिजीज का। दोस्तों फुट एंड माउथ डिजीज जो कि हमने NADCP में भी देखा था, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत FMD और ब्रुसेला, ये दो वैक्सीनेशन, दो बीमारी के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और इसका वैक्सीन जो है वो साल में हर साल में दो बार किया जा रहा है, मतलब हर 6 महीने में जो है इसको रिपीट किया जाता है। 4 मंथ के आसपास जो है आप 4 मंथ और उससे ज़्यादा की जब उम्र होती है तब आप जो है इसका वैक्सीन कैरिड आउट करते हैं और इसको वापस रिपीट करते हैं 1 महीने के आसपास। ये बूस्टर डोज जो है ये जो फील्ड लेवल पर जो है बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसको रिपीट आफ्टर 1 मंथ जो है वो किया जाना चाहिए। इसके बाद HS की बात करें, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की, तो HS जो है ये 6 महीने की उम्र या उससे ज़्यादा जो है आप HS को लगा सकते हैं, 1 महीने के बाद इसको भी रिपीट किया जाना चाहिए, और एंडेमिक एरियाज में जो है आप इसको एनुअली रिपीट करेंगे, और कब करेंगे, मानसून से जस्ट पहले। आपको लगता है जैसे जुलाई अगस्त में मानसून आता है राजस्थान में, तो HS का जो टीका है वो मई जून में जो है वो लगना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका एनिमल जो है वो स्वस्थ रहे, उसमें HS ना हो, तो बरसात से 1 महीने पहले आप HS का अगर टीका लगवाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें BQ की, ब्लैक क्वार्टर की, ये भी 6 महीने और उससे ज़्यादा जो है उसकी उम्र पर ब्लैक क्वार्टर का टीका लगता है, 1 महीने के बाद इसको भी रिपीट करना चाहिए, और ये भी बरसात से जस्ट पहले 1 महीने पहले जो है वो लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस, ये ब्रुसेलोसिस का जो टीका है ये 6 महीने की उम्र पे लगता है और ज़िंदगी में एक बार ही लगता है, और केवल फीमेल काप जो होते हैं उसमें ही ब्रुसेलोसिस का जो टीका है वो हम लगाते हैं। इसके अलावा मेल में हम ब्रुसेलोसिस का टीका नहीं लगाते, अगर मेल में ब्रुसेलोसिस के लक्षण दिखते हैं तो उस मेल एनिमल को जो है कल आउट कर दिया जाता है, उसको फार्म से ही निकाल दिया जाता है। तो ब्रुसेलोसिस एक इम्पोर्टेंट, थेलेरोसिस, ये हम क्रॉस ब्रेड जो काप होते हैं, जो विदेशी नस्ल के काप हैं, क्रॉस ब्रेड है, उसको 3 महीने की उम्र पे थेलेरोसिस लगाते हैं, और बेसिकली 3 साल में एक बार जो है थेलेरोसिस जो है वो
देखने को थिलेरोसिस का टीका जो है वो लगता है। ठीक है दोस्तों, एंथ्रेक्स ये भी एंडेमिक एरियाज में लगता है और राजस्थान में जो है ये टीका ज़्यादा पॉपुलर है नहीं। तो एंथ्रेक्स जो 4 महीने और उससे ऊपर लगता है और एनुअली जो है इसको एंडेमिक एरियाज में जो है वो इसको रिपीट किया जाता है। IBR ये भी जो है 3 महीने के ऊपर लगता है, लेकिन फील्ड लेवल पे आपको बेसिकली 3 टीके ही देखने को मिलेंगे, FMD, HS, BQ और ब्रुसेलोसिस। ये 4 टीके जो हैं ये ही आपको देखने को मिलेंगे कैटल और बफेलो के केस में। इसके अलावा और कोई टीके जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2 ml के आसपास जो है आप टीका लगाते हैं, 2 ml सबकट जो है, वैक्सीन जो है आपको सबकट रूट से लगानी है या डीप इंट्रा मस्कुलर आप लगा सकते हैं FMD के केस में, लेकिन आप जो है सबकट वैक्सीन लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद शीप एंड गोट के केस में हम बात करें दोस्तों, तो शीप एंड गोट में जो बेसिकली टीका लगता है वो आप देख सकते हैं 5 नंबर का जो है PPR, पेस्ट डी पेस्टिस रूमिनेंट, ये हम लगाते हैं। और 3 महीने के ऊपर जो कीट और लैम है उसमें हम लगाते हैं, और 3 साल में एक बार PPR का टीका जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा FMD इस साल शीप और गोट में भी लगेगा। शीप पॉक्स और गोट पॉक्स ये भी जो है लैम में लगता है, गोट पॉक्स जो है वो किड में लगता है। तो ये हर साल जो है एक बार लगता है, और दिसंबर में जो है सर्दी में जो है ये टीके जो शीप पॉक्स और गोट पॉक्स जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा एंटेरोटॉक्सीमिया, ये फड़किया रोग के लिए जो टीका लगता है, ये भी शीप और गोट के केस में जो है वो देखने में मिलता है। तो 4 महीने से ऊपर जो है ये आपको लगाना है, और कब लगाना है बेसिकली मानसून से पहले आप ET का टीका जो है वो लगाएंगे, और 15 दिन बाद जो है आप इसको रिपीट करेंगे। तो दोस्तों 4 टीके मैंने कैटल और बफेलो के केस में बताया, 4 टीके ही बेसिकली मैंने शीप और गोट के केस में बताएंगे। तो कैटल और बफेलो में हमने देखा FMD, HS, BQ और ब्रुसेलोसिस, ये 4 टीके जो है हम उसमें लगाते हैं। शीप और गोट के केस में देखें तो शीप पॉक्स, गोट पॉक्स, PPR, ET, ये फील्ड लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे बुक्स की बात करें तो आपको रेबीज का टीका मिल जाएगा जो कि रक्तस्राव से आता है। बेसिकली वो डॉग में हम काम में लेते हैं, कैटल बफेलो में हम काम में नहीं लेते हैं। कैटल बफेलो में काम में लेते हैं जब पोस्ट बाइट आपको लगता है कि रेबीज वाले जानवर ने इसको काट लिया है, रेबीज डॉग ने इसको काट लिया है, तो हम पोस्ट बाइट में उसको काम में लेते हैं। इसके अलावा एंथ्रेक्स हम ज़रा काम में नहीं लेते, IBR हम ज़रा काम में लेते हैं। तो फील्ड लेवल पे कैटल बफेलो, FMD, HS, BQ और ब्रुसेलोसिस, और शेप और गोडे केस में एंटेरोटॉक्सिमिया, ET, PPR, शेप पॉक्स और गोड पॉक्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप बात करें दोस्तों जैसे वैक्सीन के ऊपर, आपको कभी कभी आपको जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन है ना, और टॉक्सॉइड वैक्सीन, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वो होता है जो आपको देखने पे से पता लग जाएगा, पढ़ने में तो लग ही जाएगा। लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन होगा ये आपको पाउडर फॉर्म में बेसिकली देखने को मिलेगा पहले तो, और दूसरी बात आपको इसको इसके साथ एक डाइल्यूएंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो वैक्सीन आएगी उसके साथ एक डाइल्यूएंट आएगा, और डाइल्यूएंट को आपको मिक्स करना होगा वैक्सीन के साथ, उस पाउडर को मिक्स करना होगा उस डाइल्यूएंट में, और फिर जो है आपको 3 से 4 घंटे में पूरी वैक्सीन जो है वो काम में लेनी पड़ेगी। जैसे शीप पॉक्स और गोट पॉक्स आप देख रहे हैं कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है इस रूप में आ रही है। किल्ड वैक्सीन जो है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है ये अपनी कॉपी दोबारा बना सकती है, अपने को वापस जो है अंदर शरीर के अंदर जाके जो है रिपीट कर सकती है, कॉपी बना सकती है, इसलिए कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। और बूस्टर डोज की भी जो है रिक्वायरमेंट आपको जल्दी यहाँ पर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में देखने को नहीं मिलती है। तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो माना गया, इसीलिए इसको फ्यूचर वैक्सीन भी कहा गया। देखिए आप, द फ्यूचर वैक्सीन आर रिप्रेजेंट एज DNA रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो जाना गया। इसमें आप इंसानों के केस में आप देख रहे हैं BCG का टीका लगता है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन दिखते हैं, मीजल्स मम्स, तो ये सब जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसके अलावा किल्ड वैक्सीन जो होती है ये आपको टाइमली रिपीट करनी होती है हर टाइम पे, इसमें डोज जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें पैथोजन जो जो पैथोजन है उसकी पैथोजेनेसिटी जो कम कर दी जाती है, और जो एंटीजेनेसिटी है
उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों टॉक्सॉइड वैक्सीन की। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन वो वैक्सीन होते हैं जहाँ पर जो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसको फॉर्मेलिन के साथ ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जो है उस टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड को हम काम में लेते हैं। जैसे टीटी का आप वैक्सीन देखते हैं, टिटनेस का, जब आयरन की लग जाती है लोहे की, तो टीटी का हम घोड़े के केस में हम बड़ा काम में लेते हैं, टिप्थीरिया काम में लेते हैं। तो ये तीन प्रकार के वैक्सीन्स बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम एक एक करके वैक्सीन को हम देख लेते हैं जो राजस्थान में लगते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि वैक्सीन जो है वो आपको FMD की हम बात कर लेते हैं। तो ये हॉस्पिटल में जो हमारे इस बार सप्लाई हुई है उसी का आप वायल जो है वो देख रहे हैं। FMD आप देख सकते हैं, और इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड वैक्सीन ये है। तो इसमें कोई डाइल्युएंट मिलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और डाइल्युएंट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 100 ml की वायल आती है, 2 ml हम काम में लेते हैं। तो 50 जानवरों के लिए एक वायल जो है वो सप्लाई की जाती है। रक्सा ओवेक के नाम से वैक्सीन है, और रक्सा ओवेक जो है उससे सप्लाई हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आप देख सकते हैं इस बारे में। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जो है वो रक्षा के नाम से वैक्सीन बनाता है, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की ये सप्लाई है। और FMD का ये नीचे हमने लॉस दिखाया हुआ है कि इकोनॉमिक लॉस जो है वो हर साल FMD बीमारी के कारण जो है इंडिया में हर साल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो FMD को कंट्रोल करना जो है वो बहुत आवश्यक है। तो ये 2 ml कैटल बफेलो के केस में, काप के केस में, और शेप और गोड के केस में जो है 1 ml वैक्सीन जो है हम काम में लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों टाइम मैंने बता ही दिया कि आप जो है 4 महीने की उम्र के ऊपर जो है आप कैटल बफेलो में आप जो है वैक्सीनेशन कर सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं 1 महीने के बाद। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद FMD के बाद आप HS की बात करें, ये HS की वाइल जो है ये राजस्थान में प्रोड्यूस हो रही है। राजस्थान में जो BP लैब है वहाँ किससे जो वाइल सप्लाई हो रही है हॉस्पिटल में, उसमें ये HS की वाइल आपको दिखाई गई है। ये वैक्सीनेशन कब कैरिड आउट करना है, बिफोर मानसून जो है आपको लगाना है। और अगर आप जैसे ये जो वैक्सीन सप्लाई हो रही है ये एलम पर से रिपीटेड है, मतलब एलम से इसको ट्रीट किया गया है, और इसी कारण जो है 6 महीने तक जो है आपको इससे इम्यूनिटी जो है वो देखने को मिलती है। 300 ml के आसपास जो है वो आप जो है इसको ये वायल जो है 300 ml के आसपास आती है, और ये आप जो है डायग्राम आराम से देख सकते हैं। और जो ऑयल एडजुवेंट आती है, तीन प्रकार की वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी। एक तो प्लेन जो आपको 4 महीने में रिपीट करनी पड़ती है, एलम प्रेसिपिटेटेड जो आती है वो 6 महीने पे रिपीट करनी पड़ती है, और जो ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन आती है वो आपको बिल्कुल 1 साल पे जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो एक और वैक्सीन सप्लाई हो रही है ब्लैक क्वाटर वैक्सीन, ये ब्रिलियंट फार्मा के द्वारा बनाई जा रही है और उसी की सप्लाई हो रही है। तो ये आप काम में ले सकते हैं। यही वही 100 ml की वायल होती है और 50 जानवरों को ये काम में लगती है, मतलब 1 जानवर को जो है वो 2 ml लगती है। और सब फुट एंड माउथ डिजीज, HS, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक क्वार्टर, तीनों के खिलाफ जो है आपको, और ये ऑयल एडजुवेंट है इसलिए साल भर में एक बार ही जो है वैक्सीन कैरिड आउट करनी पड़ती है। हमें साल में 2 बार जो है वैक्सीन चलाना पड़ता है, और FMD के लिए अलग, HS के लिए अलग, और BQ के लिए अलग अलग टाइम पे जो है वो वैक्सीन करनी पड़ती है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट और जो प्राइवेट पार्टीज हैं, जैसे प्राइवेट डेयरी फार्म है, वहाँ पर रक्षा ट्रायोवैक के नाम से ही वैक्सीन मिल रही है, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसको आप जो है 2 से 8 डिग्री पे जो है आराम से, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसका 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है उसमें आप इसको जो है आप आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो रक्षा ट्रायोवैक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है सहूलियत रहेगी, वेटनरी पैरावेटनरी स्टाफ को सहूलियत रहेगी, और इसके बाद जो है पशुपालक को, स्पेशली पशुपालक को जो है वो सहूलियत रहेगी। क्योंकि पशुपालक जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो उसका मन वैक्सीनेशन का इसलिए नहीं होता है थोड़ा सा, कि
एक तो थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है, और दूसरा जो है 1 से 2 दिन जो है एनिमल का खाना पीना थोड़ा सा, क्योंकि आप जानते हो कि वैक्सीन लगने, जैसे कोविड की वैक्सीन लगी थी, तो 1 से 2 दिन जो है थोड़ा सा जो हेल्थ होती है वो थोड़ी सी डाउन आती है, इम्यूनिटी लेवल कम होता है, तो दूध उत्पादन जो है एनिमल के केस में थोड़ा सा कम होता है, तो पशुपालक कोशिश करता है कि वो वैक्सीन ना लगवाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता की कमी, तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है आजकल लोग वैक्सीनेशन आगे से करवा रहे हैं, और आप देख रहे हो कितना इकोनॉमिक लॉस जो है FMD के कारण हो रहा है, तो सरकार ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया है FMD HSBPO को, तो फ्री है, फ्री में आपको जो है अगर आपने टीकाकरण करवाया तो वो बीमारी होगी ही नहीं। तो इस प्रकार से जागरूकता जो है वो हमें लानी पड़ेगी, तभी जाके हम जो है वैक्सीनेशन को सफल कर पाएंगे। इसके बाद ब्रुसेला की वैक्सीन आप देख रहे हैं, ब्रुसेला बोटस, ये वैक्सीन जो 6 महीने की जो फीमेल काप होती है उसमें लगाते हैं। सन ब्रू ओ जो है, सनविटा की जो सन ब्रू वो है, सेन ब्रू SNBRU के नाम से ये वैक्सीन अभी राजस्थान गवर्नमेंट के जो एनिमलॉजी डिपार्टमेंट की संस्था है वहाँ सप्लाई हो रही है। सेनविटा कंपनी जो है इसको बना रही है, और ये जीवन में एक बार ही जो है वो लगाई जाती है। अब हम छोटे जानवर की वैक्सीन देखते हैं, शिप पॉक्स की बात करें दोस्तों, तो शिप पॉक्स वैक्सीन आप देख रहे हैं कि ये बायोमेड फार्मा की कंपनी के द्वारा जो है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा गोट पॉक्स वैक्सीन, ये वैक्सीन आप देख रहे हैं कि ये सब लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है, ये आप देख सकते हैं लाइव एटेन्यूटेड है, और इसी कारण जो वैक्सीन आ रही है इसको इसके डाइल्यूएंट के साथ डिजोल्व किया जाता है, और फिर ये 100 ml की वायल जो है वो तैयार होती है। तो ये वैक्सीन है और ये इसका डाइल्यूएंट है, तो ये लाइव एटेन्यूटेड है, आपको साल में एक बार लगानी है, और ये अपनी कॉपी अपने आप बना लेती है, तो इस कारण जो है ये वैक्सीन साल में एक बार ही आपको बनाने की ज़रूरत है, लगाने की ज़रूरत है जानवरों में। तो ये गोट पॉक्स और सिप पॉक्स जो है ये आप देख सकते हैं, और ये रक्षा गोट पॉक्स के नाम से आ रही है, मतलब इंडियन इम्यूनोलॉजिकल के द्वारा ये बनाई जा रही है, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल हॉस्पिटल में सप्लाई है। और लंपी के केस में हमने यही वैक्सीन यूज की है, गोट पॉक्स वैक्सीन ही है ना, क्योंकि वायरस जो है वो सेम है, उसी फैमिली का मेम्बर है, तो हमने गोट पॉक्स वैक्सीन लगा के जो है लंपी पे कंट्रोल किया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट गोट पॉक्स वैक्सीन आप देख सकते हैं। इसके बाद PPR जो कि शीप में हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी बायोमेड फार्मा के द्वारा बनाई जा रही है, बायो PPR के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, और हॉस्पिटल में सप्लाई इसकी लगातार हो रही है, तो ये एक बार ही आपको 3 साल में एक बार जो है PPR की वैक्सीन जो है वो लगानी होती है। इसके बाद अब बात करें ET की, ये एंटेरोटॉक्सीमिया जो है ये वाइल जो है ये BP लैब में बनाई जा रही थी, तो दो दो वैक्सीन आप देख रहे हैं, HS और ET, ये दोनों वैक्सीन जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो है BP लैब बायोलॉजिकल प्रोडक्शन लैब जो जामडोली जयपुर में है वहाँ तैयार की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि ET जो है वो 2.5 ml सबकट जो है आपको लगाना है, और इसको 15 दिन के बाद जो है आपको रिपीट करना है, तो 2.5 ml की डोज एंटेरोटॉक्सीमिया के सबकट आपको लगाना है, और इसको आप जो है 15 दिन में जो है वापस रिपीट करेंगे, तो ये ET से आपको जो है आपके जानवरों को आसानी से बचा सकता है। इसके अलावा एक बात हमने और की थी थैलेरोसिस के बारे में, कि थैलेरोसिस जो है इसके भी वैक्सीन जो है वो मार्केट में, और ये जो काफ है जो क्रॉस ब्रेड काफ है उसमें हम बेसिकली ये लगाते हैं, RexaVac-T के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, RexaVac-T के नाम से, और 2 से 3 महीने की जब क्रॉस ब्रेड काफ की उम्र हो जाती है तब हम ये वैक्सीन जो है वो लगाते हैं, और रिकॉन्स्टिट्यूशन इसको करते हैं, मतलब इसके डाइल्यूएंट के साथ इसको वापस मिलाया जाता है, और फिर जो है हम ये वैक्सीन लगाते हैं। 6 वीक तक ये इम्यूनिटी डेवलप, 6 वीक लगते हैं इसको इम्यूनिटी को डेवलप होने में, और 3 साल तक जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड एनिमल को कराती है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन थी जो हमने 12th में PCB आपको होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यदि आप डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं तो फिर आप जो है डिप्लोमा का कोर्स के लिए है, तो आपको 5.5 साल वाली डिग्री करनी है, तो आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आएगा सर, वैक्सीन लगवाने के लिए कौन सा सीजन सबसे बेस्ट है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैक्सीन अपने जानवरों में लगाना चाह रहे हैं। जैसे HS और BQ के लिए मानसून से 1 महीने पहले जो है वो टीका लगता है, FMD का टीका जो है वो सर्दी से पहले लगता है, जैसे छोटे जानवरों में बात करें हम शेप पॉक्स और गोट पॉक्स के, वो विंटर में लगता है।
तो ये डिपेंड करेगा कि वो 6 महीने की इम्यूनिटी दे रही है साल भर की, और फिर जो है कब उसका इंसिडेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप डाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब हम जुड़े। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पहले दिक्कत थी। चल रही सर अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी यहाँ बता रहे हैं यू ऑल आर व्यूअर्स आर हार्टली इनवाइटेड इन टू डिनर इन मोरार राजस्थान देवलीन डॉक्टर अजीत बर्थडे पार्टी। सर प्लीज़ कम, बिल्कुल कोशिश करेंगे पहुँचने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।